क्या कर्नाटक कांग्रेस में शुरू होने लगे बगावती सुर? सिद्धारमैया को सीएम बनाने पर नाराज हैं कर्नाटक कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। बीच में भी ये खबरें आई थी, लेकिन अभी एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी फूट देखने मिलेगी? कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि अगर पार्टी ने समय से पहले डैमेज कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया तो पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त इस तरीके की स्थिति अगर पैदा होगी, क्या कांग्रेस में, कर्नाटक कांग्रेस में फूट दिखाई पड़ेगी? इस बीच बीजेपी ने भी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर जमकर हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपनी लोकप्रियता खो दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बी एस येदुरप्पा की घोषणा है ये कि उनकी पार्टी के नेता प्रशासन के विफलताओं के खिलाफ राज्य भर में यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिनों का वक्त हुआ है और राज्य में बगावत के सुर अभी से तेज है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद के बीच खींचतान एक बार फिर से सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद के कड़े बयानों के कारण सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर बेचैनी पैदा हो गई है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस एमएलसी प्रसाद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज है। बीके हरिप्रसाद राज्यभर में रैलियां कर रहे हैं और इतना ही नहीं, वो राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। ओबीसी राज्य में कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रसाद को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कुछ भी उनके तरफ से कहा नहीं गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बैठकों के दौरान सीएम के खिलाफ बयानबाजी होती है और इसके परिणामस्वरूप अब पार्टी आलाकमान से औपचारिक शिकायत भी की गई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया ने अपने खिलाफ हरिप्रसाद के बयानों के संबंध में सोमवार को ही कर्नाटक में पार्टी मामलों के प्रभारी कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला से बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए नेताओं के खिलाफ या खासतौर से इनका नाम लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने से नाराज हरिप्रसाद पहले भी कई बयान दे चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि एडिगा, बिलावा, नामधारी और दीवारा समुदाय राजनीतिक रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि हम किसी की साजिश का शिकार हो गए हैं। सिद्धारमैया और मैं पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमें एकजुट होना चाहिए। इसी वजह से मैंने उनका 2013 में भी समर्थन किया था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि समर्थन करने के बाद हाथ फैलाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊं। हरिप्रसाद ने बताया कि हम राजनीतिक अवसरों को खो रहे हैं क्योंकि हमारी जातियों के प्रभुत्व वाली सीटों पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग टिकट पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के एक मंत्री ने ये बताया है, हालांकि वो अपने नाम का खुलासा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ने मामले में हस्तक्षेप किया है और हरिप्रसाद के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने हरिप्रसाद को सिद्धारमैया के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करना बंद करने के लिए कहा है। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना नहीं है क्योंकि उन्हें हर हाल में कांग्रेस कार्य समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। सीएम सिद्धारमैया और हरिप्रसाद दोनों ओबीसी से आते हैं, ये भी आपको बता दें संक्षेप में, और सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय के हैं और हरिप्रसाद एडिगा समुदाय के। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस नेतृत्व को चिंतित कर दिया है क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ विद्रोह के स्पष्ट संकेत हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय आंतरिक कलह झेलने की स्थिति में नहीं है, जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए स्टेज तैयार नहीं है, जिससे कर्नाटक से मुख्य ताकत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि आलाकमान इस स्थिति से कैसे निपटते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में भी बहुत कम समय बचा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।